पानी की समस्या को लेकर गांव के लोग काफी परेशान हैं और ये परेशानी तकरीबन 2 माह से बनी हुई है। गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए काफी तरसना पड़ रहा है और साथ में 1 से 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। गांव के लोग हैंडपंप से लाल पानी आ रहा है और इधर गांव के लोगों ने पीएचई विभाग को जानकारी भी दी, मगर विभाग के किसी भी अधिकारी ने गांव की ओर रुख तक नहीं किया और समस्या जस की तस बनी हुई है। पूरे गांव का निस्तारी हो रहा है और 2 ट्यूबवेल है, एक एसी का, उससे निस्तारी होता है, लेकिन वहां भी पर्याप्त मात्रा में पानी जनता को नहीं मिल रहा है। लड़ाई कुल 8 हैंडपंप है जिसमें एक ही हैंडपंप चल रहा है और पानी भरने के समय तो गाली गलौज और मारपीट होने की नौबत आ जाते हैं। हमारे गांव में पूरा हैंडपंप सूख गया है, पानी की अति किल्लत हो रही है, बाहर से 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है सबको। 2 महीना से मतलब पानी की समस्या है, आपूर्ति मतलब बहुत दूर से लाते हैं ना। कोयलांचल आदिवासी बहुत